अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखिए आज हम बना रहे हैं आलू और प्याज के पकोड़े। इसके लिए हमें किन किन सामान की किन किन मसालों की ज़रूरत होगी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। दो मैंने बड़े आलू बारीक पीस में काट लिए हैं, बड़े पीस में बारीक काटने हैं। दो मैंने प्याज बड़ी प्याज बारीक काट ली है। तीन से चार हरी मिर्च मैंने ये काट ली है। थोड़े से पत्ते हमें पुदीने के चाहिए, कुछ पत्ते हमें हरे धनिए के, और आधे चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है। नमक और लाल मिर्च आप अपने जायके से लेंगे, और कुछ हमें ये बेसन चाहिएगा। चलिए अब हम इन सब सामान को किसी बड़े बर्तन में डालकर मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये प्याज हमने इसमें डाल दी है, अब हम आलू डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, पुदीना, नमक, हरा धनिया पत्ता, कसूरी मेथी। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कुछ बेसन इसमें हम डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए नाज़िम बहुत ही टेस्टी ये पकौड़े बनते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर आज़माइएगा। देखिए हमारे आलू और प्याज धुले हुए थे इसलिए इनमें कुछ पानी था, इसलिए हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसी में हमारा ये बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना है, थोड़ा हमें इसे टाइट ही रखना है, और बेसन भी बहुत ज़्यादा पकौड़े में नहीं डालना चाहिए। देखिए अब हम एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। अच्छा तेज सा हमें ये अपना तेल कर लेना है, तब हम इसमें अपने पकौड़े डालेंगे। देखिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डाला है, बहुत कम बेसन इसमें डाला है। बहुत ज़्यादा बेसन से हमारे ये आलू प्याज एकदम उसमें ढक जाता है और हमारे पकौड़े भी अच्छे से नहीं बनते हैं, इसलिए आप भी इसमें कम बेसन लगाएं। और फ्रेंड मैं सॉरी एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, इसमें मैंने आधा चमचा लहसुन पेस्ट भी ऐड किया है। देखिए हमारा ये तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये पकौड़े इस तरह से थोड़े फैलाकर डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े होते हैं, चाय के साथ बरसात में बहुत अच्छे ये लगते हैं। देखिए अब हम इन्हें अच्छी तरह से सुनहरा होने देंगे। और इनको पलट देंगे। देखिए आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर आजमा कर देखिए, बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े होते हैं। आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप जल्दी से इनको बना सकते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार ये पकौड़े बनते हैं। इन्हें अच्छी तरह से हम तल लेंगे,
देखिए नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। देखिए जो पकोड़े हमारे ये तैयार हो चुके हैं, सुनहरे हो चुके हैं, उनको हम निकाल लेंगे। देखिए नाज़रीन, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट का लिंक भी आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। देखिए सब पकोड़े हमने निकाल लिए हैं, अब बाकी बचे हुए पकोड़े भी हम अपने इस तेल में डाल देंगे। अच्छा, हमारा तेल जो है काफ़ी तेज़ हो रहा है, थोड़ा हम फ्लेम को कम कर देंगे। देखिए हमारे ये आलू के पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए आप इस रेसिपी से ज़रूर पकौड़े बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत ये पकौड़े और बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े बनते हैं। देखिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हमारे ये पकोड़े चाय या फिर चटनी के साथ खाने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड, मेरी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।